हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 में। तो बात करेंगे अपन माध्यक और बहुलक। बहुलक के बारे में इन तीनों को कैसे निकालते हैं। तो जैसे बात करें अपन माध्य के बारे में, तो एग्जाम्पल जैसे कि 3, 5, 4, 3, 3, 2, 4 और 6 का माध्य क्या होगा। क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो माध्य का मीन होता है एवरेज, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जैसे 3 और 5 कितने हुए 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24 और 6 कितना हुआ 30। तो राशियों का योग कितना हुआ अपने पास 30, और संख्या कितनी हुई इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब स्कोर करेंगे अपन, तो 8 एक 8 3 8 24 कितने बचे 6 पॉइंट, कितने हुए 60, 56 कितने बचे 4, 7 और 8 56 कितने बचे 4, और 40 हुए, 40 में 8 का भाग देने पर 8 और 5 40, ये इसका माध्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रही माध्य की बात। अब अगर अपन माध्यक की बात करें, माध्यक, तो माध्यक में क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे कि 2, 3, 3, 3, उसके बाद में 4, 4, 5 और 6, कितनी संख्या हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्यक निकालने के लिए जैसे कि ये 8 संख्या हुई टोटल, तो इसमें से 3 अपन इधर से लेंगे और 3 इधर से लेंगे, बीच में कितनी संख्या बची 2, इन दोनों को जोड़ के मतलब 3 प्लस 4 बटा 2, ठीक है, तो कितना हुआ ये 7 बटा 2। तो इसका जो माध्यक है वह 3.5 होगा। ठीक है दोस्तों, माध्यक के लिए क्या करेंगे अपन, पहले ये जो संख्या है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर 3 इधर से ली, 3 इधर से ली, क्योंकि टोटल 8 संख्याएं थी, बीच वाली 2 संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आया 3.5, ये होगा इसका माध्यक। अब अगर अपन बहुलक की बात करें, तो बहुलक का अर्थ होता है बहुलक
जो सबसे ज्यादा बार आए, ज्यादा बार आए एग्जाम्पल जैसे कि ये रहा अपने पास, तो इसमें देखो एक जैसे कि तीन, तीन कितनी बार है, एक दो तीन, तीन बार इसमें तीन है, उसके बाद में जो चार है दो बार है, तो इसका जो बहुलक है वह होगा तीन, तीन होगा बहुलक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन जैसे कि रेंज की बात करें, रेंज, ये रेंज क्या होती है, तो रेंज का मीन होता है पहले आप सबसे छोटी वाली, पहले आप सबसे छोटी वाली संख्या लो या बड़ी वाली संख्या लो, तो अपन इसमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, छह, तो अपन छह को लेते हैं, और माइनस उसके बाद में सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, दो, तो दो को लेंगे। ठीक है, छह में से दो निकालते हैं, कितने बचे, चार, ये इसकी रेंज होगी। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई, निर्धारित की गई, चार, तीन, दो, पांच, सात, नौ और एक, बाद में पता चला कि दो की जगह जगह एक लिख दिया गया, दिया गया, तो परिवर्तित माध्यिका बताओ। यह वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई, चार, तीन, दो, पांच, सात, नौ, एक, बाद में पता चला कि दो की जगह एक लिख दिया गया, तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, जैसे कि इसको क्रम के हिसाब से लिखते हैं अपन, पहले क्या आएगा, एक, उसके बाद में एक आ गया, उसके बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पांच, पांच के बाद में सात और सात के बाद में नौ, कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, और बाद में क्या बोला इसने, बाद में पता चला कि दो की जगह एक लिख दिया गया, तो इस दो को हटा देते हैं अपन और इसकी जगह लिखा क्या, एक, एक लिख दिया गया, तो परिवर्तित माध्यिका बताओ। तो माध्यिका के लिए मैंने क्या बताया आपको, माध्यिका के लिए मैंने आपको बताया था कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, तो तीन इधर से लो आप और तीन इधर से लो, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो
चार होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा ये वाला।